सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलाश सर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6:15 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स की वार्षिक अंक जो है ये लाइव लेके आया जाता है, जिसमें हम जून 2021 से मई 2022 तक का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की। आज हम प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो प्रैक्टिस सेट 7 से संबंधित है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार के द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। छात्रों को फ्री स्मार्टफोन देने की शुरुआत जो की गई है, योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन अगला हम लोगों के सामने, यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, ठीक हो जाएगा। बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। बड़े राज्यों में बिहार दूसरे स्थान पर रहा। तो इस प्रकार हम देखेंगे तीनों ही ठीक हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में उपर्युक्त सभी ऑप्शन है वो ठीक होंगे। क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन का लॉन्च किया गया? क्षुद्र ग्रह साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया? आपका आंसर होगा नासा। जिसने भी नासा आंसर किया है बिल्कुल ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता? विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का जो खिताब है यह किस टीम ने जीता? बताना चाहूँगा विजय हजारे जो ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित है, और 2021-22 का खिताब जीतने वाली टीम है हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया? बी, अंडमान निकोबार। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन का निर्माण किया गया? दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जो है का निर्माण किया गया? डी, जापान। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो ठीक हो जाएगा? मेघा मजूमदार ने पुस्तक वर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया, ये भी ठीक हो जाएगा। और हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह दिया गया। तो हम देखते हैं तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। साहित्य अकेडमी पुरस्कार से संबंधित तीनों ही कथन जो हैं सत्य हैं। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? बाल विवाह और दहेज प्रथा दोनों ही सामाजिक कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। और बताना चाहूँगा बिहार सरकार ने इससे पहले ही शराब पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो कुछ कुरीतियों को समाप्त करना जो समाज सुधार अभियान है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सी, समाज सुधार अभियान। किस अभियान की शुरुआत की गई? तो समाज सुधार अभियान। सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? एक बार आंसर करेंगे सभी। इसका आयोजन ढाका में किया गया, ठीक है। इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा, ये भी ठीक है। और फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया। सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जो है इसके संबंध में सभी कथन ठीक हो जाएंगे। आयोजन ढाका में, विजेता बांग्लादेश और उप विजेता भारत। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो अमित शाह के द्वारा भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया, क्या आंसर हो जाएगा? नई दिल्ली। हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया? तो किस भारतीय गेंदबाज के द्वारा टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 200 सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड बनाया गया है, ये रिकॉर्ड बनाया गया है मोहम्मद शमी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एसिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया? किसके द्वारा एसिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया?
आंसर होगा भारतीय सेना, भारतीय सेना के द्वारा एसिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया। हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं? हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं? एक बार देखते हैं, अनुपम रे निरस्त्रीकरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, जगदीश कुमार को UGC का अध्यक्ष बनाया गया है और संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे सभी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, उपयुक्त सभी, तेरे का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? आंसर होगा सी दानिश सिद्दीकी, दानिश सिद्दीकी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों के में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर होगा बी गुजरात। आप बताएंगे सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आप लोगों से, सुशासन दिवस का आयोजन कब किया जाता है और किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर किया जाता है? हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं संजू वर्मा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? तो किस राज्य सरकार के द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया? आपका आंसर हो जाएगा ए गुजरात, गुजरात सरकार के द्वारा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जल पर कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जल कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा विरल देसाई, आंसर हो जाएगा विरल देसाई। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? कौन सा देश जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ? मिश्र। पीटा इंटिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो पीटा इंडिया द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट। हम पहले भी इस क्वेश्चन को कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आंसर क्या हो जाएगा आलिया भट्ट। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने COVID-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा COVID-19 के किन नए टीकों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की गई है? एक बार ऑप्शन देखेंगे, स्वास्थ्य मंत्र, हाँ तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्बीवैक्स और कोवोवैक्स दोनों। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में जो कुल वनावरण है ये है आपका 713,789 वर्ग किलोमीटर। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ ये स्थान हो जाएगा आपका तृतीय स्थान। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? आंसर होगा बी नासा। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं को का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? रेणुका जी बांध, लोअरी स्टेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे?
तो आपका आंसर हो जाएगा 100। कितने किए जाएंगे? 100 100 टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? आंसर होगा बी, हरियाणा। निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो अंडर 19 एशिया कप का जो खिताब है भारत के द्वारा जीता गया है। हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी। आंसर हो जाएगा हमारा विनय कुमार त्रिपाठी। हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? ए, ऑस्ट्रेलिया। किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया? आंसर होगा ए, चीन। चीन में 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है? तो 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बनी है एप्पल। एप्पल वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? तो वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये जर्मनी में प्रस्तावित है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अलका मित्तल को। आंसर होगा बी, अलका मित्तल। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला जो देश है ये हो जाता है सिंगापुर। हाल ही में किस देश में COVID-19 के एक नए वेरिएंट V.1.640.2 या IHU की पहचान की गई है? COVID-19 का एक नया वेरिएंट जिसे IHU नाम भी दिया जा रहा है किस देश में पाया गया है? फ्रांस में। निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? निम्नलिखित में से कौन सी अदालत जो है भारत की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? आपका आंसर होगा केरल हाईकोर्ट। केरल हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस है जहाँ पेपर का उपयोग नहीं किया जा रहा। हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? पूरा राज्य LPG युक्त हो चुका है और धुआं मुक्त हो चुका है। तो LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य जो बना है ये हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। आंसर होगा बी, हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का निधन जो हुआ है ये कौन थी? ये एक समाजसेवी थी, ये एक समाजसेवी थी। 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का जो आयोजन किया जा रहा है ये कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा डी, पुडुचेरी। आंसर डी, पुडुचेरी। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया? आंसर होगा डी, दिल्ली। वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर होगा TS तिरुमूर्ति। TS तिरुमूर्ति को सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कपड़े के थैले का प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीनदम मंजपई योजना की शुरुआत की है? कपड़े के थैले का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीनदम
मंजपे योजना की शुरुआत की है? आंसर होगा बी तमिलनाडु। तमिलनाडु। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो आपदा प्रबंधन जो होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं इसे। जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? आंसर होगा ए तुर्कमेनिस्तान। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो किया गया है, ये किया गया है हैदराबाद। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया? आंसर होगा सी पढ़े भारत। आंसर हो जाएगा सी पढ़े भारत। जनवरी 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया। जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? आंसर होगा ए स्मृति मंदाना। और स्मृति मंदाना ऑस्ट्रेलिया जमीन पर शतक लगाने, टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली महिला भी बनी है हाल ही में। तो आंसर क्या होगा, जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? स्मृति मंदाना को। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी के बहुत बढ़िया प्लेयर थे और इन्होंने भारत को कई बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताया। तो हाल ही में जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था उनका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसी प्रकार मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। एक विश्वविद्यालय बनवाया जा रहा है और ये बनवाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, यूपी के मेरठ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुँचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुँचने वाली पहली अश्वेत महिला जो बनी है प्रीत चंडी। आंसर होगा ए प्रीत चंडी। इसी प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और एक बार वीडियो को शेयर कर दें। आपका एक शेयर हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए और प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।